आज का फेवरेट सबका ब्लैक कलर है। के लिए सबसे बेस्ट कोटिंग बेस्ट है या पीपीएफ बेस्ट है? मतलब कई कस्टमर की कार आती है उसके अंदर स्मेल हो ही रहती है ट्रैकिंग होने के बाद, कस्टमर करवा लेते हैं जी 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 जी, स्मेल हो जाती है। हाँ जी, वो किस कारण से होती है? वो जैसे देख रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी नॉलेज बेस ये वीडियो है, इसको लास्ट तक देखना, एंड तक जरूर देखना। आएंगे हमारे कोटिंग से, आइए जानेंगे क्या राज है इनके, ऐसे काम कंडीशन वगैरह कंडीशन कैसी है, और उसके बाद ये कार मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसी है, निकल बिल्कुल नई शोरूम कंडीशन। हम कई बार देखते हैं पीपीएफ के अंदर दो कंसर्न रहता है, एक जैसे एक रीपेंट कार होगी और एक ओरिजिनल कार होगी, तो सबसे ज्यादा चमक कौन सी कार में आएगी जब आप सिरेमिक करते हैं? देखो क्या करे फॉर्मूला की वैक्स उठा के देते हैं, ये कोटिंग होगी है क्या है? सही है, कलर पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी लगते हैं, और 90% स्क्रैच विदाउट पेंट भाई उनको रिमूव करके बेस्ट है 5 ईयर की वारंटी। हेलो गाइस, जय श्री राम। हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा ये फेमस है हमारी, हमारी कार सबसे ज्यादा चमकी हुई और साफ सुथरी गाड़ी होती है। आज हम आपको मिलवाएंगे उससे जहाँ पे हमारी कार तैयार होती है, जिसे कहते हैं कि अंदर की इंटीरियर की एक्सटीरियर की बाहर कोटिंग साफ सफाई होती है, और उनका जो क्वालिटी वर्क है वो हम आपको दिखाएंगे कि वे एक कैसे काम करते हैं वो। चलिए आपको मिलवाते हैं। आज आपको मिलवाएंगे हमारे कोटिंग कैसे किंग, भैया कुरुक्षेत्र के सबसे बेहतरीन किंग 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 कह सकते हैं, किंग ही है भाई आप कह सकते हैं, और इन्हीं वजह से हमारी कार इतनी चमकती धमकती है। वो कहते हैं ना कार लेके आओ और स्पा सेंटर लेके आओ, तो कहाँ लेके आनी है? ऑटो वर्क डिटेलिंग स्टूडियो। और इनसे आइए जानेंगे ये क्या राज है इनके, ऐसे काम का वर्किंग का। ये सब आपका प्यार है भैया, ये हमारी छोटी सी वर्कशॉप है, कार तैयार हो रही है यहाँ पे, ये गाड़ियाँ ये फाइनल डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है गाड़ियाँ यहाँ पे ना, आजकल रश ज्यादा, अभी हो रही है भैया ये फाइनल ना, ये जैसे इसका काम चल रहा है। ब्लैक कलर हमारा फेवरेट है, ब्लैक कलर सबका फेवरेट हो गया। और ये देखिए कैसे मतलब कोटिंग करी जा रही है गाड़ी यहाँ पे, सारी गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ इसी काम के लिए आई हुई है, रबिंग कोटिंग के लिए, कुछ डेंटिंग मेंटिंग वाली भी है। ऐसी कार लग्जरी कार मतलब इनमें तो काफी टाइम लगता होगा तैयार करने में, बस 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब इंटीरियर से साफ इंटीरियर वगैरह सारी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सेंसिटिव भी होती है, कार की कंडीशन वगैरह कंडीशन कैसी है, और उसके बाद ये कार मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसी है, निकल बिल्कुल नई शोरूम कंडीशन, शोरूम कंडीशन हो बिल्कुल शोरूम। होंडा सिटी देखिए कितनी पुरानी है, लेकिन इसको भी रिस्टोर तैयार करके देंगे भाई, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, एक रिस्टोरेशन का बिल्कुल नया बना के देंगे हम, और हमारी फॉर्चुनर जिसमें हम आए हैं भाई वो भी नई शेप में तैयार करानी है, वो भी नई हो जाएगी, हमने करी भी है, मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा उसको, हमने दो टाइप 3 से टाइप 4 में कन्वर्ट करा है, तो वो मेरी पर्सनल फॉर्चुनर है, कोई बात नहीं, आपको नई शेप जो लीजेंड में आई है आजकल किट लग जाती है वो चेंज करके जी जी जी, उसको भी पूरी वीडियो हम आपके पास लेके आए, हमारी जो पुरानी ओल्ड फॉर्चुनर है वो न्यू लुक में कैसे चेंज होती है, ये भी आजकल उसको तैयार करें, ऑफ रोडिंग की क्वीन बनी हुई है पजारो, और पजारो ये आपकी पर्सनल है? ये पर्सनल है, ये हम टूर पे जाने के लिए निकालते हैं, भाई का शौक भी अच्छा 4x4 पर्सनल टूर के लिए स्पेशल। आप ये देखिए मतलब अलग से कैबिन बनाया हुआ है, और यहाँ पे कार का एक बॉडी शॉप का बाहर का वर्किंग चल रही है, और डिलीवरी भी यहीं से यहीं से डिलीवरी होती है, इससे केबिन बनाने का कारण क्या? जैसे धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट हो जाती है गाड़ी, पीपीएफ वगैरह हम यहीं पे करते हैं, उधर वॉशिंग हो रही है इसलिए वॉशिंग पर देखते हैं, पीपीएफ के अंदर दो कंसर्न रहता है, वो वैसे तो छोटी मोटी डस्ट रह ही जाती है, कोई वैसी वो बात नहीं होती, वैसे वो हल्का सा मिट्टी का या पेंट में भी दाना होता है कई बारी, आजकल ओरिजिनल गाड़ियों में भी आ जाती है वो चीज, तो वो उस वजह से होता है, वैसे तो पानी होता है, पानी सूख जाता है उसका, पांच कैबिन का बेनिफिट है, कैबिन के अंदर वर्क, कैबिन के अंदर वर्क करो तो ज्यादा क्लियरली होगा, साफ ज्यादा होगी, साफ ज्यादा होगी, मिट्टी नहीं आती, जैसे उधर वॉशिंग हो रही है गाड़ियों की, वॉशिंग का पानी इधर नहीं आता, तो इसका बेनिफिट ही होगा। गाइस आपको मिलवाते हैं हमारे कुरुक्षेत्र के कोटिंग किंग, और सबसे पहले कुरुक्षेत्र के अंदर कोटिंग जो लेके आए थे ये आशीष भाई लेके आए हैं। मैंने अपने करियर की शुरुआत वैसे इस लाइन में चंडीगढ़ से करी थी।
मैंने चंडीगढ़ से सारा काम सीखा था। कितना टाइम वहाँ पे? वहाँ मैंने 2.5 साल काम करा है और मैंने अच्छे ब्रांड्स में काम करा है वहाँ पे, डिटेलिंग डेविल्स हो गया। आप इनका वर्क हमारी कारों में देख सकते हो, मतलब हमारी जितनी भी कार है सभी भाई के पास तैयार होने वाली है, मतलब इनसे बेस्ट काम हमने कुरुक्षेत्र में वैसे देखा नहीं। एक चीज और देखी मैंने, मतलब आप वाली लाइन है ना, किसी को कोटिंग करके दो तो वो क्या करे, फॉर्मूला की वैक्स उठाएगा और पूरी कार पे लगाई, लगाने के बाद 2 मिनट में चमका के दे देते हैं, ये जी कोटिंग हो गई है क्या है, सही है? वो तो सर देखो एक तरह से टेम्परेरी काम होता है जिसका रिजल्ट हमें 1 या 2 या 3 वाश में पता चल जाता है। बिल्कुल, जब आप 2 से 3 बार गाड़ी धोगे तो आपको लगेगा भी मेरी गाड़ी पे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर वैसी की वैसी होगी। बिल्कुल, ये तो है। लोग क्या करते हैं, लोग वैक्स पॉलिशों से गाड़ियां चमका देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सीलेंट भी यूज होते हैं कोटिंग करते वक्त। मतलब मेन सही जो कोटिंग वर्ड है एक, मतलब ऐसा है कि भाई कार के ऊपर किस तरह का कोट हुआ हो जी, जो हमें डस्ट से किसी तरह के स्क्रैच से बचाता है, तो उसका एक प्रोसेस बताइए, मतलब एक भी एक क्वालिटी कैसे यूज होती है, उसमें क्या होता है जी? उसमें क्या होता है, जैसे अब हम गाड़ी खरीद कर लेके आते हैं, जब हम न्यू कार परचेज करते हैं तो गाड़ी में शाइन होती है, तो कई लोग कहते हैं कि यार इसमें तो शाइन है, ठीक है ना, तो वो शाइन किस चीज की होती है? वो शाइन ना गाड़ी के क्लियर कोट की होती है। तो जैसे हम डेली गाड़ी पे कपड़ा मार रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, तो वो क्लियर कोट जो है वो घिसना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर एक और क्लियर कोट की तरह एक लेयर बना देते हैं कोटिंग की, ताकि आप कपड़ा मार रहे हो, धो रहे हो, गाड़ी पे झाड़ियां लग गई या नाखून लग जाता है, कुछ भी छोटे छोटे मिनिमल स्क्रैच जो गाड़ी डेली पकड़ती है, तो वो हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो जब हम उसको रिमूव करते हैं, जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसमें क्या, हम अपनी लेयर तक ही उसको काटते हैं, हम गाड़ी के क्लियर कोट को नहीं छेड़ते, तो उसके लिए बहुत सॉफ्ट प्रोडक्ट यूज होते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग मोटी रबिंग यूज कर लेते हैं, वो तो सर पेंट को भी डैमेज कर देती है। हमने देखा है कि भाई कई लोग रबिंग करते हैं, नॉलेज है नहीं, तो पेंट जैसे गाड़ी की किनारी जो एक प्रोफाइल बनी होती है उसको घिसा देते हैं, वो अलग ही नजर आनी, वो अलग ही शुरू हो जाती है। देखो जो नई गाड़ियां होती है, पहली बात तो उसको कंपाउंड की बहुत ज्यादा मिनिमम जरूरत होती है, कंपाउंड वाला स्टेप जो है वो तो मिनिमम ही करना चाहिए गाड़ी के ऊपर। हाँ, अगर आपकी गाड़ी पे स्वस्थ ज्यादा है तो चलो एक हाथ के 2 हाथ चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन रबिंग के अंदर भी ना हम सारी कोटिंग, सारी कंपाउंड्स को हम रबिंग का नाम दे देते हैं, पर रबिंग में भी बहुत सारी क्वालिटी है, इतनी क्वालिटी है तो बिल्कुल देखा कि आपका तो बेस्ट क्वालिटी सारी यूज जी करते हो और ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करते हो जी, जी, जी। और जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स है, देखो हमें तो इतनी नॉलेज नहीं, हमें तो फिर भी हो गई है क्योंकि इस वर्क से जुड़े हैं, लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी नॉलेज बेस ये वीडियो है, इसको लास्ट तक देखना, ऐसे जो भी नॉलेज आप लोगों को गैदर हो रही है, आपको अपनी कार को केयर करने में उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। और एक प्रोडक्ट बताइए आप, मतलब मोस्ट जो आप अच्छे प्रोडक्ट जो यूज कर, देखो US और जर्मन, ये 2 कंट्रीज बहुत अच्छे कार प्रोडक्ट्स बनाती है। तो US में हम, आप सबने एक नाम सबने सुन रखा है 3M, 3M का, 3M बूर्थ का सुना है, बूर्थ का सुना है, बूर्थ भी जर्मन है, ठीक है, तो बूर्थ और 3M दो मार्केट के लीडर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, मैंने ओडी लग्जरी का कंपनी जितनी भी बूर्थ के प्रोडक्ट यूज करती है जी 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 जी। अब जैसे 3M है, अब 3M में एक सीरीज आती है मैग्वायर्स की, मैग्वायर्स जो है वो और अच्छे प्रोडक्ट और ज्यादा रिच प्रोडक्ट है उनके, मतलब लग्जरी गाड़ियों के लिए वो यूज होती है। तो उसमें जैसे जो गाड़ी की कोटिंग करते हैं उसमें जो मेन पार्ट होता है वो ग्लेज का होता है, तो ग्लेज जो सी है वो हम मैग्वायर्स की यूज करते हैं, मैंने और कभी भी किसी भी अदर ब्रांड की नहीं यूज करी। एक चीज और देख, आपने एक चीज तो देखा होगा कि हम अगर ब्रांड की कोई भी चीज यूज करेंगे या लेंगे तो लॉन्ग रन होती है और उसकी चमक लॉन्ग रन रहती है, आप कपड़े यूज कर लो ब्रांड के, क्वालिटी मेंटेन रहती है। ऐसे ही ये प्रोडक्ट्स जो आप बता रहे हो, अगर हम ब्रांड के कार के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और ऑब्वियसली है कि उसकी चमक रहनी, ब्रांड के प्रोडक्ट्स का ये फायदा हो जाता है, एक तो हमारी गाड़ी के पेंट को कोई नुकसान नहीं होता, एक आपको भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जो मैंने काम करा है वो दिखेगा भी और वो चलेगा भी, समझ रहे हो। लोकल प्रोडक्ट बहुत है लेकिन उसमें क्या है, दूसरे तीसरे महीने कस्टमर आके खड़ा हो जाता है, यार ये तो वैसी की वैसी होगी। अब कई बार क्या होता है, कई बार कई लोग वॉशिंग नहीं ढंग से करते, कई बार सुबह धोने वाला आता है वो कपड़ा गलत मार जाता है, तो ये सारी चीजें दोबारा गाड़ी रिस्टोर हो जाती है अगर हमने अच्छे प्रोडक्ट लगाए होते हैं गाड़ी के ऊपर, तो उसका तो फायदा हो जाता है। हल्के प्रोडक्ट अगर कार के ऊपर यूज किए तो उसका कार का उल्टा नुकसान होगा, नुकसान होता है लॉन्ग टाइम में। अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और भाई कह रहे हैं कि भाई ये अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करते हैं। कुरुक्षेत्र में एक भी नाम है और ऑटो वर्क्स, और आप
मैप पे लोकेशन डाल के भी यहाँ पे पहुंच सकते हो और हर जगह आपको इनकी वीडियोस मिलेंगी। पीपीएफ ये करते हैं, पीपीएफ का, टीपीयू का इनका रहता है, सेरामिक कोटिंग का, ग्लास कोटिंग का, सभी प्रोडक्ट और ब्रांड के यूज करते हैं। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी इनकी तरफ से, क्योंकि हमने यूज किया पिछले 7 से 8 साल से भाई के साथ जुड़े हुए, आज तक किसी भी कार की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। Even, एक चीज और देखी हमने, इवन कि ब्लैक कलर पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी लगते हैं और 90% स्क्रैच विदाउट पेंट भाई उनको रिमूव करके दे देते हैं। मतलब इनका ऐसा क्वालिटी का वर्क है, हम प्रॉपर सेटिस्फाई हैं, आप लोग भी बिल्कुल प्रॉपर सेटिस्फेक्शन रहेगी आपकी। और एक चीज और कहना चाहूंगा, मतलब सबसे सस्ता अगर सिरामिक कोटिंग आपको करवानी है तो भाई के पास आइए, इनके पास मतलब जो प्रोडक्ट सिरामिक कोटिंग जिस कंपनी की आप करते हो एक बार दिखाइए। हम ज्यादातर टेरोसन के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये भी जर्मन ब्रांड है, ऐसी बात नहीं है, ये बुर्थ की ही टक्कर का ब्रांड है, मेड इन जर्मन है। हम इसी के सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसी में बहुत सारी सीरीज आती हैं, जैसे 157 नंबर, 175 है, ठीक है, ये टेरोसन, इसकी ये कोटिंग होती है, ठीक है, ये यूज करते हैं, ये बहुत हार्ड है, ये हैंकल के प्रोडक्ट है और हैंकल जैसे जो शुरू से ही चिपकने की चीजें ही बनाते हैं, तो वो पुराना ब्रांड है जर्मन का और वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाता है, तो हम फुली सेटिस्फाइड हैं इस प्रोडक्ट से। ऐसे हम 3M के मैग्वायर्स प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, हम बुर्थ भी यूज करते हैं, माफ्रा के प्रोडक्ट भी हमारे पास, सारे सारी रेंज है। कस्टमर को जो चॉइस होती है कि मेरे को इस ब्रांड का काम कराना, तो उसकी उसी ब्रांड का काम भी हो जाता है, लेकिन मिलेगा सारा ब्रांड। सिरेमिक कोटिंग जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, मिनिमम कितने स्टार्ट हो जाती है? सर हमारे यहाँ पे तो 15,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है सेरामिक कोटिंग। मार्केट में कितने की होगी वो? जैसे मैं चंडीगढ़ वगैरह में बात करूं तो वहाँ 20-22 हजार, 25-25 हजार रुपए की ऐसे स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे मार्केट में 22,000 रुपए की है और आप उसको 15,000 रुपए में हम स्टार्टिंग कर देते हैं। देखो हम भी करवाते हैं जी, मतलब भाई तो हमें एक काफी अच्छे और ऐसी बात जी ऐसी बात नहीं है। देखो सेरामिक कोटिंग सारे ही अच्छी करते हैं, कोई बुरा नहीं करता, लेकिन बस कस्टमर को कहाँ रियलाइज होता है जब वो सर्विस पर आता है। जैसे हम मेन बात तो सर्विस पे, पैकेज जो कोटिंग का होता है, हमने सुना कि 3 साल की 5 साल की टीपी होती है, जी जी उसकी गारंटी रहती है इसमें। सर मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग कहते हैं जैसे मैं 3 साल में 7 बार करता हूँ, जैसे मैं भी 3 साल में 7 बार करता हूँ, तो लोग कहते हैं 7 बार में क्या ही करता होगा ये तो मशीन पर। लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपके वीडियो के थ्रू कि हम जो सेरामिक कोटिंग है, हम सेरामिक के जो कोट होते हैं वो सिर्फ 4 बार देते हैं 3 साल में, बीच में हम मेंटेनेंस कोट देते हैं। मेंटेनेंस कोट इसलिए देना पड़ता है कि गाड़ी में स्मूथनेस बनी रहे, शाइन बनी रहे, और छोटे मोटे जो स्वर्ल मांग या स्क्रैचेस वगैरह निकल रहे हैं वो टाइमली निकलते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं, तो गाड़ी के पेंट में जान बनी रहती है। जो तो आप लोग एक चीज और भी, कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे बेस्ट और एक ही है, और कोई है ही नहीं, टीपीयू करते हैं जी, जो आजकल आपने देखा होगा ब्लैक कलर पे, मतलब सबसे ज्यादा लोग उसी को करवाते हैं क्योंकि उसके स्क्रैच कार तक काफी हद तक पहुंचता ही नहीं, प्रोटेक्ट मतलब 90% प्रोटेक्ट करता है वो। और वो यही करते हैं। आप अगर आपको टीपीयू करवानी है कार के ऊपर, तो सबसे बेस्ट चॉइस आपकी कि भाई ऑटो वर्क्स सिलेक्ट कीजिए मैप और यहाँ पहुंच जाइए कार को। हमारे पास सारे ब्रांड की पीपीएफ अवेलेबल है, गरवारे की करवानी है, अगर आपको एनएक्स की करवानी है तो हर ब्रांड की टीपीयू और 200 माइक्रोन वाली। उसके बाद सबसे बेस्ट है 5 ईयर की, 5 ईयर की उनकी वारंटी होती है, कल वो खुद से उतरनी शुरू हो जाती है या उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है आया, तो वो पूरा पीस हम खुद से चेंज करके जी। क्वेश्चन हो रहा है मेरे माइंड में, एक जैसे एक रीपेंट कार होगी और एक ओरिजिनल कार होगी जी, तो सबसे ज्यादा चमक कौन सी कार में आएगी जब आप सिरेमिक करते हैं? देखो वैसे मैं आपको बताता हूँ, सेरामिक कोटिंग जो है वो ओरिजिनल पेंट के साथ ही अच्छा बॉन्ड बनाती है, मतलब उसमें ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी, शाइन ज्यादा हो जाएगी। जैसे पेंट के अंदर जैसे क्रिस्टल्स होते हैं वो चमकने शुरू हो जाते हैं, वो ओरिजिनल पेंट के ज्यादा। देखा यही कारण है हमारी कार का ज्यादा चमकने का, क्योंकि हमारी कार ओरिजिनल पेंट की होती है और साथ में सिरेमिक कोट होता है, तो ज्यादा वाइब्रेंट और चमक आ जाती है उसके अंदर जी, और अच्छी बेस्ट प्रोडक्ट ये यूज कर। मैंने देखा कई बार मतलब कई कस्टमर की कार आती है उसके अंदर स्मेल हो ही रहती है ड्राइविंग होने के बाद, कस्टमर करवा लेते हैं जी 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 जी, स्मेल हो जाती है। हाँ जी, वो किस कारण से होती है? वो जैसे लोग नॉर्मल शैम्पू से ही गाड़ी को वॉश करवा लेते हैं सस्ते के चक्कर में, शैम्पू गोला और कपड़े से क्लीन कर ली गाड़ी, अच्छा प्रोडक्ट नहीं यूज करते करेंगे तो स्मेल नहीं, स्मेल नहीं होती। और अच्छा प्रोडक्ट ना तो आपका लेदर खराब करता है, ठीक है,
और ना ही उसकी स्मेल होती है। डैशबोर्ड भी कई बार खराब हो जाता है, डैशबोर्ड भी खराब होता है क्योंकि आजकल सारी गाड़ियों के अच्छे डैशबोर्ड आने लग गए, लेदर का काम ज्यादा होने लग गया, ग्लोसी पार्ट ज्यादा हो गया, तो उस वो बहुत अच्छे से उसको चमका देता है, तो उसको नुकसान नहीं करता। कई बार आपने देखा है कई बार बटन खराब हो जाते हैं गाड़ी के अंदर से, ये वो, तो वो उस चीज में भी वो ऑल पर्पस क्लीनर होता है, वो हर चीज में यूज हो जाता है वैसे तो, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है, तो इसलिए ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक चीज होता है ब्लैक कलर, जैसे आज का फेवरेट सबका ब्लैक कलर के लिए सबसे बेस्ट कोटिंग बेस्ट है या पीपीएफ बेस्ट है? सर देखो ये भी आपकी रनिंग पे डिपेंड करता है, कईयों की गाड़ी है वो साल में 10,000 किलोमीटर ही चल रही है, ठीक है, तो उनके लिए तो देखो सेरेमिक बेस्ट है, उनको इतने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं। लेकिन कई हैं जिनकी गाड़ी डेली 100-200 किलोमीटर चल रही है, 300 किलोमीटर चल रही है, उनके लिए मैं हमेशा टीपीयू ही सजेस्ट करूंगा, टीपीयू बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि जैसे क्या है सड़क पे चल रहे हैं कोई पत्थर लग जाता है, कोई झाड़ी लग जाती है, इवन कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वो उससे भी कई बार उसको बचा लेती है। जी अभी हमारे एक गाड़ी थी सफारी, उसकी ट्राली लग गई थी नोएडा के अंदर, तो वो उसको लगा कि मेरा पेंट उतर गया गाड़ी का, लेकिन हमने टीपीयू कर रखी थी, वो वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपसे वीडियो भी शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करना तो, जी तो जैसे ही वो कस्टमर आया, वो भिवानी से था हमारा कस्टमर, जैसे ही वो आया तो हमने जब उसकी टीपीयू उतारी तो गाड़ी का पेंट बिल्कुल सेफ था नीचे से, वो बहुत खुश हुआ, तो वो वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वीडियो भी वो शेयर करूंगा। ये टीपीयू का फायदा जी, और टीपीयू का क्या बेनिफिट है उससे आपको आइडिया हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि टीपीयू क्यों करानी चाहिए, बेस्ट है। और क्षेत्र के जितने भी हमारे फॉलोअर आसपास के भी, करनाल से हो गए या अम्बाला से हो गए, आप लोगों के लिए इजी है, क्षेत्र यहाँ आइए और बेस्ट प्रोडक्ट हमारे भाई यूज करते हैं, आपको किसी भी तरह की सर्विस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी सजेशन रहेगी बेस्ट आपके लिए वर्क रहेगा, और कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो हमें याद कर सकते हैं, भाई को फिर पकड़ लेंगे यही, और हमारा भी इंस्टाग्राम पे पेज है वो भी फॉलो करना, ऑटो वर्क्स डिटेलिंग स्टूडियो, बिल्कुल भाई का इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कीजिए, ऑटो वर्क्स डिटेलिंग स्टूडियो, और जो भी कस्टमर फॉलो करके आएगा उसको पेज को, उसके लिए आपकी तरफ से हमारे लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, हमारे पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ऐसी ऐसी वीडियो हम लेके आते रहेंगे, हमारा फॉलोअर आएगा, हमारा सब्सक्राइबर आएगा, उसके लिए क्या डिस्काउंट रहेगा? उसके लिए स्पेशल एक डिस्काउंट रहेगा, बस उसको आके आपका, हमें दोनों, मेरा भी और आपका भी पेज का फॉलो जरूर दिखाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन दिखानी पड़ेगी, गिफ्ट आपकी तरफ से उन सबको होगा जी, हम देखो उनको अपनी तरफ से सबको अपना अपना एक एक इंटीरियर क्लीनर, गाड़ी का ड्राई क्लीन का पैकेज हम अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे उनको, जिसकी कॉस्ट हमारे यहाँ पे 1500 रुपए। फॉलो जरूर करना, फॉलो नहीं किया होगा तो गिफ्ट नहीं मिलेगा, गिफ्ट फॉलो अगर करके आओगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा जी। तो अभी इस डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, और हमें ये है कि भी इस तरह की नॉलेज बेस्ड वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहेंगे, और भी कोई किसी तरह की अगर आपको कोई नई वीडियो, आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसके भी आप पे आपको एक नई वीडियो आपको सजेशन के तौर पे लेके आएंगे आपके लिए।